आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दुर्जन मित्र भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी के समक्ष एक भारत के भविष्य के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो क्षमा करने का कष्ट करें। देखिए, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ थी, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमारे देश ने देखे हैं और आज उन्हीं सभी कठिनाइयों को झेलते हुए हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। मेरा कहना ये है कि अब हमारे भारत का जो आने वाला भविष्य होगा वो हम जैसे बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। हम अगर चाहें तो हमारे भारत का भविष्य काफ़ी आगे जा सकता है, अगर हम चाहें तो भारत का भविष्य डूब भी सकता है। इसलिए हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और अपने देश को बहुत आगे ले जाना चाहिए। बसपा का नेता कौन हुआ, उखंड विजेता कौन हुआ, अद्वितीय श्रेता कौन हुआ, जौहर अभिनेता कौन हुआ, जिसने ने कभी आराम किया, बिखरों में रहकर काम किया, और लगा के ही जाते हैं, हमें जगा के जिनकी से सुधर कंकरिया, जिनकी से सुधर छाया देता केवल अंबर, पिपराएं दूध पिलाती हैं, लोरी आदियां सुनाती हैं, जो लचगरी में चलते हैं वही सुरवानी करते हैं। धन्यवाद।